हेलो, जी चलो तो वापस आते हैं, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? कल अपन ने देखा था कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन एमपी और व्हाई एमपी इज एन इन्वेस्टमेंट हब, या एमपी ने क्या क्या करा है कि इन एमपी में इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, व्हाट आर द स्टेप वी हैव टेकन। तो अपन ने ये देखा था कि वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 15 बिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन लास्ट 5 ईयर्स। अपन ने एक मार्केट बनाया जो एक क्या कहते हैं हमारा क्या था, लैंड लॉकिंगनेस की एक दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए हमने ड्राई पोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करा है, ठीक है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हम आते हैं, तो फिर हमने अलग अलग जैसे पीतमपुर धार महू रतलाम नागदा शाजापुर इस टाइप के कॉरिडोर्स को हमने डेवलप करा है, ठीक है। उसके अलावा जो जापानीज टाउनशिप है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट, वो भी 12 आने इंडिया में, उसमें से एक एमपी में आ गया। इसके अलावा एमपी एक और स्टेट हैज डेवलप्ड एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन साउथ ईस्ट एंड फॉर ईस्ट एशियन इन्वेस्टर्स। अब आप ये देखो, इसके अलावा वी आर ऑल्सो डेवलपिंग 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है, 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और डेवलप कर रहे हैं। कौन कौन से? भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर कटनी, सतना सिंगरौली, मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना। तो ये भोपाल इंदौर, भोपाल बीना और फिर जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली मुरैना ग्वालियर और शिवपुरी गुना, ये 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और डेवलप कर रहे हैं। इट विल ऑल्सो बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी। और क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक। तो इन सारी इन इस चीजों में अपन जो लाइमस्टोन हो गया, ग्लास हो गया, कॉपर हो गया, वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। और कोल गैस, कोल का भी अपने पास 8% है टोटल। 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हॉर्टिकल्चर में हम काफी ग्रो कर रहे हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एमपी में जो फॉरेस्ट्री है उसमें काफी स्कोप है। आप ये देखो, मेडिसिनल प्लांट 2200 से ज्यादा वैरायटी के मेडिसिनल प्लांट्स एमपी में पाए जाते हैं, तो यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा स्टेट हैज 14% पशुधन एंड 10% ऑफ द स्टेट कंट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। स्टेट हैज ऑल्सो 1,20,000 acres ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये याद रखना। आप लोग आगे चल के ये सब बातें रिपीट होने वाली हैं, क्योंकि स्टेट हैज 1,20,000 acres ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। मतलब क्या? इतने एरिया में अब जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा और उसको जगह चाहिए, तो अब अपने पास जो 1,20,000 acre ऑफ लैंड बैंक है ना, जो अपने अपन लैंड डिमार्केट कर रहे हैं कि भाई अपन इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देंगे, या इस लैंड में अपन कोशिश करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो फिर कोई आएगा तो उसको इसमें से अपन लैंड दे देंगे कि हाँ चलो आप यहाँ पर बना लो फैक्ट्री, यहाँ पर ये कर लो, ठीक। तो इस टाइप से अपन ने सोच के तो रखा है, अब हो पाता है कितना वो एक अलग बात है। ओवर द लास्ट ईयर इट हैज डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और ये भी हम आगे काफी डिटेल में बहुत बहुत बार रिपीट होने वाली है। अभी इसी क्लास में आगे अपन देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएटेड इन एमपी, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फायदे क्या हैं, क्या होती हैं, ये याद करो अपन बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं और काफी डिटेल में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, तो अब उसके इम्प्लीमेशन वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है। एंड स्टेट है डेवलप स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड सेक्टर स्पेसिफिक पार्क, लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन पीतमपुर, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में, प्लास्टिक पार्क इन तमोट एंड ग्वालियर, एंड लॉजिस्टिक पार्क इन शिवपुरी उज्जैन, स्पाइस पार्क इन छिंदवाड़ा अमंग अदर्स। तो ये सब पार्क हैं। आपका काम क्या है? याद रख लेना, अगर हो जाए तो याद करोगे ये कौन कौन से पार्क खुल रहे हैं तो अच्छा रहेगा। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी यहीं से डायरेक्टली उठा के पूछ सकते हैं, भाई स्पाइस पार्क कहाँ है? तो ये छिंदवाड़ा में है, ठीक है। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? लॉजिस्टिक पार्क एमपी में जो खुला है वो शिवपुरी और उज्जैन में है, ठीक। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर है? इंदौर में। तो एडिशनली 1 मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड इज प्रपोज्ड इन छिंदवाड़ा। उसके अलावा मैंने ये बता दिया था कि एमपी हैज अवंडेंट टेक्निकल पावर, जो हम कल देख रहे थे कि 1 लाख करीब 45 यूनिवर्सिटी से 1 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं हर साल, 1 लाख ग्रेजुएट वर्क फोर्स में ऐड होते हैं।
अब अगर इनकी अगर अभी क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉपर स्किलिंग हो नहीं पा रही है, सब तो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ इन ग्रेजुएट्स की प्रॉपर स्किलिंग हो नहीं रही है, तो वो इंडस्ट्री रेडी नहीं निकल रहा है। 1 लाख जो वर्कफोर्स निकल रही है उसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री रेडी हैं आगे चल के इंडस्ट्री को ज्वाइन करें और कुछ मीनिंगफुल काम करें। तो यहाँ पर अगर अपन उनको अप स्किल कर दो, अप स्किल अगर उनको कर दिया तो फिर वो इंडस्ट्री रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैलेंज है कि प्रॉपर स्किल निकल नहीं रही है मेन वर्कफोर्स। अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस वर्कफोर्स को यूज करके, इस वर्कफोर्स को अपस्किल करके, उनका जो स्किल्स हैं उसको बढ़ा के आप उनको इंडस्ट्री रेडी कर सकते हो और अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हो। ठीक है। ऑल्सो एमपी इज ऑल्सो रिच इन कल्चर एंड टूरिज्म। तो एक कल्चर एंड टूरिज्म में अगर आप देखो तो देखो क्या करना है आप लोग, इस टाइप के जो पॉइंट मिलते जा रहे हैं ना यहाँ पर बीच बीच में जो आपको मिल भी रहे हैं, इन पॉइंट्स में डिमार्केशन ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ एमपी इन इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ एमपी इन एज ए इन्वेस्टमेंट हब, तो इस टाइप की चीजों में आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हो। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मेक एमपी एन इन्वेस्टमेंट हब, तो फिर ये वाले पॉइंट तो नहीं लिखोगे आप, बट जो पहले अपन ने पॉइंट डिस्कस करे हैं वो डाल देना। तो इनको आपको थोड़ा सा और क्लासिफाई करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को। ठीक है। बट ऐसा अगर आप बोलो कि एमपी एज अ इन्वेस्टमेंट हब या एमपी एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अगर कोई चीजें हैं, तो ये सारे पॉइंट हैं। अब इन इन पॉइंट से आपके अलग अलग क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है। तो फिर इन पॉइंट्स को आपको उन क्वेश्चन के हिसाब से जमाना पड़ेगा। ठीक। तो एमपी मैं जैसे टूरिस्ट साइट क्या है, खजुराहो हो गया, भीम बेटिका हो गया, सांची हो गया, विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यहाँ पर आप टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। इन साइट्स पे तो आप जो है रिलीजियस सर्किट की जो अभी चल रहा है, रिलीजियस सर्किट से आप जोड़ सकते हो इनको। ठीक है। उसके अलावा कान्हा बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, शिवपुरी, दे आर फेमस टाइगर रिजर्व। ठीक है। एंड हैव वेरियस अदर एनिमल्स। तो ये जो टाइगर रिजर्व हैं, ये भी दीज आर पार्ट ऑफ योर टूरिज्म सेक्टर, यहाँ पर भी आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो। ठीक। पचमढ़ी, अमरकंटक, तामिया आर ऑल्सो सम अदर मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द स्टेट। तो हाँ है, यहाँ पर मतलब टूरिज्म के लिए स्कोप है एमपी में, और इनको इनमें पोटेंशियल है कि आगे चल के ये अच्छी खासी टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव टू प्रमोट टूरिज्म यूजिंग वेरियस आइलैंड, जैसे कि हनुवंतिया में अपन टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है। मध्यद्वीप एंड सैलानी आइलैंड, इट होस्ट इंडिया, तो ये जो हनुवंतिया है, हनुवंतिया होस्ट इंडिया ओनली एंड लार्जेस्ट वाटर कार्निवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इंडिया का लार्जेस्ट वाटर कार्निवल और एकमात्र वाटर कार्निवल है जो हनुवंतिया में होता है, उसको आप बोलते हो जल महोत्सव एवरी ईयर, जो इंदौर के पास हनुवंतिया आइलैंड है, वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह भी होती है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो इट वाज वाटर कार्निवल, जल महोत्सव, और कहीं होता नहीं है इंडिया में इसके अलावा। तो यस, इट इज अ यूनिक थिंग विच एमपी इज डूइंग टू प्रमोट टूरिज्म इन एमपी। तो टूरिज्म से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, और वहां पर हम काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा अब आप टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करो, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, आवाज वगैरह आ रही है ना, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, सब क्लियर है ना? ओके, वर्षा, तनु, प्रेम, आनंद, इशरत, ठीक है। ठीक है, गुड। एकदम सन्नाटा सा था चैट में, मुझे लगा आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं। ऐसा लगने लगता हैंग वैंग तो नहीं हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देख लिया कि भाई चलो एक अपॉर्चुनिटी अपने पास टूरिज्म सेक्टर में भी निकल के आ रही है, वहां पे भी काम हो रहा है। अब आप आ जाओ किसमें, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मैंने क्या बोला, ऑल ओवर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो एमपी में भी आप ये देखो, एमपी स्टेट इज अ लीडर इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है, अब लीडर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिग्निफिकेंट अपने यहाँ एज इट इज कोई बहुत ही बड़े लेवल पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि भाई टेक्सटाइल में अपन क्या करते हैं, यार्न या यार्न से अपन थ्रेड धागा, यार्न या धागा बना के अपन, यार्न या धागा बना के अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, और फिर वहां से कपड़े अपड़े बन के आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपने ब्रांड का टैग लगा के फिर यहाँ बेचती हैं। तो रॉ मटेरियल हम टेक्सटाइल में ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट हाँ फिर भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल सेक्टर में एमपी की, जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, बट यहाँ पर भी देयर इज अ नीड फॉर ह्यूज अपग्रेडेशन। एमपी इज स्टेट लीडर और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग आप मेंशन करना भी, अगर आप एमपी इकोनॉमी की बात कर रहे हो, एमपी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, नॉट ओनली एमपी, अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की भी अगर आप बात कर रहे हो, इंडियन इकोनॉमी की अभी अगर बात बात कर रहा हो ना, तो आपको टेक्सटाइल की बात करनी पड़ेगी। इंडिया के केस में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, भूलना मत इसको। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नई नई डेवलप हो रही है एमपी में, पीतमपुर वाला जो रीजन है वहाँ काफी सारी कार मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक। फूड प्रोसेसिंग अभी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसको अपन प्रमोट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो दीज आर दी सेक्टर्स वेयर वी आर यू नो इम्प्रूविंग। द पीसफुल मैन पावर ऑफ स्टेट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, इसको याद रखना, जैसे ये वाले जो पॉइंट आते ना, पीसफुल मैन पावर ऑफ स्टेट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस टाइप के पॉइंट ना आप कंक्लूजन में डाल सकते हो, ये वाले पॉइंट, ये अच्छे मीठे मीठे शब्द है ना, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ भाई, द पीसफुल मैन पावर, ठीक, ये वाले टर्म अगर याद रहे तो ठीक है, कभी आगे चल के जब आप महारत हासिल हो जाएगी लिखने में आंसर, तो फिर ये एडिशनल पॉइंट दिलाते हैं ये सारी चीजें कि हाँ चलो भाई एक अच्छा सा स्टेटमेंट लग रहा है कंक्लूजन में, हाँ इस टाइप से अपन डाल सकते हैं। ऑल द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स पेव वे फॉर मध्य प्रदेश टू बिकम अ डेवलप्ड स्टेट। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ मध्य प्रदेश कैन बिकम अ डेवलप्ड स्टेट, इस टाइप से आप चीजें दे सकते हो जो अपन ने डिस्कस करी, मतलब पिछली कुछ स्लाइड से आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, जितने आप चाहो निकालना, मैटर यही रहेगा, इस मैटर को आप बहुत सारे जगह रिसाइकल करके लिख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, अब अगर आप और अगर अपन अपने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को रिफाइन करें, तो आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय आरबीआई, मध्य प्रदेश सिक्योर्ड फिफ्थ पोजिशन गार्नरिंग 7.2% शेयर इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि पूरे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आया है उसका 7.2% मध्य प्रदेश में आया है, ठीक है, ओके, सिग्निफिकेंटली कम है एरिया वाइज अगर आप देखो एमपी का, ठीक है, और उसके बाद आप उसका इन्वेस्टमेंट देखो तो कम है, तो बट ये है फिगर कि 7.2% इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, ठीक है, फिफ्थ पोजिशन है और अपनी। उसके अलावा ओवर द लास्ट डिकेड एमपी हैज विटनेस्ड अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ओके, द सेम इज एट्रिब्यूटेबल टू स्टेट गवर्नमेंट सप्लीमेंटेड बाय क्रिएशन ऑफ रोबस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड्स वाटर सप्लाई इरीगेशन कैपेसिटी एंड 24/7 पावर सप्लाई। अब देखो यहां पर ये स्टेटमेंट की क्या जरूरत है, आप ये समझो, जैसे ये वाले जो स्टेटमेंट है अपन ने क्या बोला कि कहीं आपको इंट्रोडक्शन देना है किसी क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में कंक्लूजन देना है, तो फिर आप इस टाइप के स्टेटमेंट उठा सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता है, कुछ नई नहीं है, बट ये आपको कभी माल की कमी पड़ जाती है, मटेरियल की कमी पड़ जाती है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी है। जैसे मैंने शुरू में बोल दिया था कि भाई एमपी ने रोड्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट करा है, अभी एमपी ने रोड वगैरह अच्छे से बनाई है, एयरपोर्ट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करा है, तो आप ये देखो कि देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो इंट्रोडक्शन है कंक्लूजन में, ओवर द लास्ट डिकेड मध्य प्रदेश हैज विटनेस्ड रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, यस, वेरी पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट सपोर्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ रोड वाटर सप्लाई इरीगेशन कैपेसिटी 24/7 पावर सप्लाई, और ये सारी बातें हुई हैं, अच्छी अच्छी बात है, तो आप लिखोगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और ये लैंग्वेज मिल गई आपको कि किस तरीके से आपको आंसर में लिखना है। इवन अगर आप चाहो कि कोई पॉइंट में आप पास कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है, तो आप इन इस टाइप के स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, और मेरा तो मानना यह है कि आप कोशिश करो कि इस टाइप के स्टेटमेंट यूज करना सीख जाओ। जरूरी ये नहीं है कि अभी से अब आप अनड्यू लोड ले लो कि अरे यार ये तो रटने वाली बात हो जाएगी, इसको याद कैसे करेंगे हम, अभी याद याद कुछ नहीं करना है, चार छह बार आप आंसर लिखोगे ना तो अपने आप ही आपको ये सारे स्टेटमेंट लिखने लगोगे,
अभी तो कोई लोड बिना लिए आंसर ही लिखना आप लोग, बट आगे चल के आपको आदत पड़ जाएगी। और अगर सपोर्ट में देखना है कि आपको किस टाइप के स्टेटमेंट लिखने हैं आंसर में, तो ये स्टेटमेंट है जो आपको इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई, अगर आपको फैक्टर्स लिखने हैं कि व्हाट 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 मध्य प्रदेश हैज डन फॉर इन्वेस्टमेंट या व्हाट एमपी गवर्नमेंट हैज डन फॉर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, तो फिर कुछ पॉइंट्स ये भी मिल जाएंगे आपको। मध्य प्रदेश स्टैंड फिफ्थ अमंग इंडियन स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये वाली रिपोर्ट अब बंद हो चुकी है, बट यह एक अच्छी बात थी, उस टाइम पे पांचवे आए थे हम थोड़े दिन पहले, दो तीन साल पहले। और अब ये देखो आप, इसके अलावा क्या हुआ एमपी में, अच्छी अच्छी बातें और क्या हुई हैं। एक तो अपन ने शुरुआत में ये वाले पॉइंट्स देख लिए थे जो अपन ऊपर से देख के आए हैं, कि एक जेनरिक पॉइंट हो गए थे कि यस, एक ओवरव्यू देख लिया था कि हाँ बहुत सारे सेक्टर में अपन ने काम किया है। अब आप और उसको डाइसेक्ट करो और उसके जूम इन करके अंदर जाओ तो और देखे क्या हुआ है एमपी में, अच्छी अच्छी चीजें क्या हुई हैं। तो देखो, सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट बिजनेस एमपी में हुई है, वी हैव विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट बिजनेस, मतलब दिस विल ऑल्सो पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल हब सच एस मंडीदीप, पीथमपुर, और यही यही नाम याद होने चाहिए आपको, मंडीदीप, पीथमपुर, देवास, मालनपुर एंड पीलूखेड़ी हैव विटनेस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट बिजनेस। द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ पीथमपुर इन द स्टेट वॉज एस्टिमेटेड एट 4,000 करोड़, ठीक है, इन 2014-15 और 5,000 करोड़ करीब इन द ईयर 15-16। तो देखो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में पीथमपुर वाले रीजन से ही, करीब 5,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था 2015-16 में, तो अभी आप सोचो और हाई गया होगा, ठीक। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश हैज इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड एसईजेड इन पीथमपुर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की पहला ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है, पीथमपुर में, विच कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ अराउंड 1000 हेक्टेयर एंड इज लोकेटेड 35 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ इंदौर। पीथमपुर एक इंदौर के आसपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है, वहां पर एक ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया की पहली। देखो डाटा ऐसा है कि ये डाटा मैं दे रहा हूं आपको, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पहली बार में तो होता नहीं है। हाँ ये रहेगा कि जब आप 5-7 बार स्लाइड पढ़ोगे ना, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किसके अराउंड डाटा, मतलब एक मोटा मोटा फिगर, जैसे 1,000 हेक्टेयर के अराउंड या 5,000 रुपए के, 5,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ, तो आंसर में भी आप अराउंड 5,000 करोड़ इस टाइप से भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। और जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में भी कोई क्वेश्चन आता है कि भाई पीथमपुर में आप मान के चलो एक पूछ लिया कि लास्ट ईयर कितना बिजनेस हुआ था, अब अगर ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि 4,500 करोड़, 4,505 करोड़, 4,507 करोड़, इस टाइप से अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है, तो समझ लेना कि फिर आपकी बैंड बच चुकी है, वो क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि इतने एग्जैक्ट फिगर को याद करना इट इज ह्यूमनली यू नो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और इतने सारे रैंडम फिगर्स है, इतने सारे रैंडम फैक्ट्स है, और उसमें अगर कोई आपको इतने क्लोज आंसर दे रहा है ना, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है कि वो लक पे डिपेंड करेगा कि बाई चांस कभी आपने पढ़ लिया हो वो और याद आ जाए, वहां मार्क कर दो, अदरवाइज तो वो एक अंदाजे पे लगा देना, इसमें तो अंदाजा भी नहीं लगता है, तो जो मन करे वो लगा दो, वो फिर आपके लेवल के ऊपर का क्वेश्चन है। और वो ऐसे क्वेश्चन को अपन नोबडी एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डाले भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपको इतना नहीं पता होना चाहिए, कहीं तो आपके नंबर काट लें वो, इस टाइप से फ्री ऐसे बाउंसर क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में अपनी नींदें खराब नहीं करनी है किसी को भी, 2-5 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, लक पे छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इतने सारे, अब जैसे इसमें इतने सारे फैक्ट मिल जाएंगे अभी आपको कि एग्जैक्ट नंबर पे आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जैक्ट नंबर पे याद करने हैं, बट यहां वहां से कोई भी रैंडम नंबर उठा के अगर आपसे कोई पूछ लेगा, तो फिर इसके चक्कर में अपना दिमाग खराब मत करना, अभी बता रहा हूं, और मैं शायद बार पहले भी ये चीज बोल चुका हूं। अब ये देखो, अ टोटल ऑफ 49 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन पीथमपुर व्हाइल 6 आर अपकमिंग। टोटल इन्वेस्टमेंट, अब ये सब भी इतना कचरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए डाला है इस स्लाइड में, आपके काम का ज्यादा है नहीं इस टाइप का डाटा, ठीक है। तब ये देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट इन पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अप्रोक्सिमेटली 4,200 करोड़, एक्सपोर्ट बिजनेस डन टिल लास्ट ईयर वॉट अप्रोक्सिमेटली 12,300 करोड़ एंड एसईजेड जनरेटेड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अराउंड 16,000 करोड़। आप ये कर सकते हो बस कि जैसे एक आध डाटा आप याद रख सकते हो उसमें कि भाई जो पीथमपुर का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आप ये देखो करीब 16,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है, यहाँ से 16,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है और करीब 12-12.5 हजार करोड़ का अपन ने एक्सपोर्ट करा है यहाँ से। तो
एक ऐसी मोटा मोटा फिगर याद रख लेना अगर मन करे तो, कि 12,000 करोड़ के आसपास का अपन ने एक्सपोर्ट कर चुके हैं पीतमपुर से, और 16,000 के आसपास जॉब मिल चुकी है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट याद करने की जरूरत नहीं है कितना आया, बट एक्सपोर्ट बिजनेस कितना हुआ है वो है कितना, कि 12,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट हैज बीन प्रमोटेड थ्रू वेरियस स्कीम्स, जैसे कि अब अलग अलग स्कीम क्या है, असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट असाइड स्कीम, ठीक, असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट स्कीम एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम टाइस। तो असाइड और टाइस दो स्कीम है जहां पर आपने एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करा है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए दो गवर्नमेंट इनिशिएटिव असाइड और टाइस, ठीक है। दिस हैज लेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स एंड कॉरिडोर्स लाइक पीतमपुर ऑटो क्लस्टर, ठीक है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन देवास, पीतमपुर धार, महू इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ओके, रतलाम नागदा, नॉट इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रतलाम लागा इंडस्ट्रियल रीजन, रतलाम नागदा, देवास साजापुर एंड नीमच नायगांव रीजन। तो मतलब ये जो दो एक्सपोर्ट स्कीम चालू हुई थी असाइड और टाइस, इन्होंने सपोर्ट करा है ये पीतमपुर और ये जो अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है ना, इनके डेवलपमेंट में सपोर्ट का काम करा है इन स्कीम्स ने, ठीक। इसके अलावा क्या करा है, एमपी ने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन सॉल्व कर, अपन साइन करते हैं कि आपस में अपन ने एक डील कर ली मिले तो, कि हाँ भाई एक मोटा मोटा हिसाब की इतने इतने पैसे में ये चीज करेंगे, इस टाइप से कुछ भी डील करी अपन ने, इनिशियली अपन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं, वो साइन करते हैं जब पहली बार मिलकर कुछ बात करते हैं, फिर आगे चल को इसको अपन डील में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने सॉल्व करा भी है, देखो ये नंबर से जो अपने काम के ज्यादा है नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया आप पढ़ लेना कि यार विद कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 2600 इंटेंशंस फॉर सेटिंग ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज वर रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एमपी, ठीक है। उसमें से जो ये जो इन्विटेशन आए थे गवर्नमेंट ऑफ एमपी के इन्वेस्टर समिट से, मतलब वो करीब आपके 5 लाख 5.5 लाख करोड़ के आसपास के थे, जिसमें से 397 प्रोजेक्ट थे वो अकेले ही करीब 1.5 लाख करोड़ के थे, ठीक है। तो इस टाइप से आए हैं। अब व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन एमपी, तो देयर आर सम पॉलिसीज टाइप से अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि मतलब गवर्नेंस के क्षेत्र में एमपी ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए एमपी में, तो फिर ये देखो आईटी 2016 पॉलिसी, आईटी पॉलिसी ऑफ 2016, टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2016, हेल्थ केयर पॉलिसी ऑफ 2016, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज है विच आर यू नो अल्टीमेटली इन सब से क्या कर रही है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इनको लागू किया गया है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, विंड पावर एंड सोलर पावर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन एक्ट 2008, ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश लैंड एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, ये भी देखेंगे, अमेंडमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन 2017, तो इस टाइप से एक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस करे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये भी आगे की क्लास में अपन इसको और पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट टू सिंप्लीफाई द रूल्स एंड गिव क्लियरेंस टू वेरियस प्रोजेक्ट कमिंग इन द स्टेट। तो ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं टू मेक एमपी अ इन्वेस्टमेंट हब अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस, देखो और एक और चीज बार बार भी जैसे रिपीट कर रहा हूं मैं, इतनी सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही आंसर में इतना लिख पाओगे, ज्यादा पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे ताकि इसमें से जितना याद हो जाए उसको जोड़ तोड़ के आप एक आंसर लिख सको, ठीक है। 1 मिनट, क्यों ये स्क्रीन से फॉन्ट दिख रहा है क्या आप लोगों को, समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये बताओ आप लोग, अब ये लाइट बैकग्राउंड हो क्या, धोखे से मैं ध्यान नहीं दिया था, अगली स्लाइड से फिर डार्क बैकग्राउंड में ही बनाई है स्लाइड्स, अभी दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ओके, अगली बार से तो डार्क बैकग्राउंड में रखेंगे अपन इसको, ठीक। अब ये देखो आप, अंडर दिस प्रोविजंस मध्य प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2008, अंडर दिस एक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द फॉलोइंग एम्पावर्ड कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड,
कौन कौन सी कमेटी, जैसे कि अपेक्स लेवल इन्वेस्टमेंट, अपेक्स लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एम्पावरमेंट कमेटी, इट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मेगा प्रोजेक्ट। मतलब देखो आप एक्ट के नाम से ही समझ जाओ, मध्य प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट, मतलब ऐसा एक्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे, आपने ऐसा एक्ट लेकर आए। ऑब्वियसली बात है इसमें ऐसे प्रोविजंस होंगे जो आपके आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। तो आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रपोजल लेके आता है कि मुझे एमपी में यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है, समझ लो अडानी लेकर आए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ का, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। तो इस एक्ट में क्या करा, इस एक्ट में अपन ने बहुत सारी कमिटीज बना दी जो अलग अलग प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देगी, ठीक है। तो जैसे एक एपेक्स लेवल कमेटी है, एपेक्स लेवल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमेटी है, वो क्या करेगी, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को क्लियर करेगी, वो क्योंकि ये एपेक्स कमेटी है, हाईएस्ट कमेटी है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको चीफ, इसको हेड करेंगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और वो क्लियरेंस देंगे डायरेक्टली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। क्योंकि अब अडानी से आप ये तो बोल नहीं सकते इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएगा कि भाई बाहर बैठो, ऑफिस के बाहर बैठो, इंतजार करो साहब आ रहे हैं, कल आना परसों आना, इस टाइप से उसको तो काम करना है, जल्दी करवाना पड़ेगा आपको, वरना वो चला जाएगा एमपी से कहीं और लगा लेगा अपनी दुकानदारी, ठीक है। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द फॉलोइंग एम्पावर्ड कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फैसिलिटेशन ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट बाय सिंप्लीफाइंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिड्यूसिंग प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड रैशनलाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड टू प्रोवाइड friendly environment to an investor in the state. क्या है? और ये सारी जो चीजें हैं ना, यही सारी चीजें लोगों को बड़ी दिक्कत करती हैं, क्लियरेंस की जो दिक्कत आती है ना, क्लियरेंस की कहाँ कहाँ दिक्कत आती है कि भाई ये देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, भाई जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो समझ में नहीं आते इंडस्ट्रियलिस्ट को। दूसरा जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ, इस टाइप की जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है कई बार, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ नहीं आती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, अब तुम तो आधार कार्ड लेके आओ, तुम्हें पापा, तुम्हें चाचा, तुम्हें दादा का भी आधार कार्ड लेकर आओ और इंडस्ट्री लगानी है, तो इस टाइप से अगर कोई फालतू डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा तो फिर और दिक्कत हो जाती है इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर आने में, ठीक है। यहाँ का क्लियरेंस लेके आओ, वहां का क्लियरेंस लेके आओ, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट को हिंडर करती है, ट्रेड को हिंडर करती है किसी भी स्टेट में। तो यहाँ पर इसी को दूर करने के लिए अपन ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट बनाया और यहाँ पर ही अपन ने इन सारी चीजों को स्मूथ करने के लिए अलग अलग कमिटीज का गठन करा ताकि वो फास्टर क्लियरेंस दे सके लोगों को अपना प्लांट सेटअप करने में यहाँ पे, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली टू एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट टू इन्वेस्टर इन द स्टेट, उस तो एपेक्स लेवल पे कमेटी हो गई। फिर स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट एम्पावर्ड कमेटी हेडेड बाय इंडस्ट्री मिनिस्टर, एपेक्स लेवल के बाद स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। एपेक्स लेवल, फिर स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट एम्पावर्ड, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट एम्पावर्ड कमेटी, तो गैस करो इसका हेड कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप की कमेटीज है जो आगे चल के इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करेंगी क्योंकि उनको फास्टर क्लियरेंस मिल सके, उनको ज्यादा फालतू की दिक्कत ना आए और जल्दी से वो अपना काम शुरू कर सके, ठीक। Besides these committees, state government has developed a single table concept by constituting project clearance and implementation board. ये भी एक important है कि चलो भाई आप committees से, तो ये जो committee आ रही है वो आपको clearance देंगी और आप क्या करो, अपना जो भी project लेकर आ रहे हो वो आप project clearance and implementation board के पास लेकर आओ, ठीक है। It will be headed by chief secretary. देखो important, chief secretary of India, chief secretary of MP, a highest post of bureaucrat. ठीक है, आप इनके पास लेकर जाओ प्रोजेक्ट को, ये आपको प्रोजेक्ट क्लियरेंस दे देंगे ताकि आपका काम स्मूथ हो जाए, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी ये आपकी हेल्प करेंगे और आपके प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देंगे और प्रोजेक्ट क्लियरेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आओ और आपको परेशानी ना हो। तो सारे जो चीजें की गई है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही की गई है एमपी में, ताकि इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं वो इजिली अपना इंडस्ट्रियल सेटअप कर सके एमपी में। अंडर द प्रोविजन ऑफ मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट, ओके, कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल नेसेसरी क्लियरेंस अप्रूवल हैज बीन इंट्रोड्यूस, कि भाई आप एक जो भी आपका ये कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरो, उसको जो जो रिक्वायरमेंट थी उसमें आप लगा दो, टिक कर दो, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपको एक कागज लेके आप एक ऑफिस में जा रहे हो फिर उसने बोला चलो वहां चले आओ, वहां से इसके साइन लेकर आओ, यहां से उसके साइन लेकर आओ, ये सब फालतू काम खत्म करने की कोशिश की गई है स्टेट गवर्नमेंट की, सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की कोशिश की गई है यहां पर, ठीक है। Investment proposals under the provisions of above act are disposed in a specified time limit with the special focus on self-certification. एक ये भी अच्छा पॉइंट है, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, वही वाली बात हो गई कि भाई इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए आपने क्या करा, आप जैसे मैंने अर्जी लगा दी, मैंने प्रोजेक्ट क्लियरेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड में
अपने फाइल डॉक्यूमेंटेशन भेज दिए, ठीक है, ये कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म भर के सब कुछ अप्लाई कर दिया, अब मुझे परमिशन की देरी है कि परमिशन मिले तो मैं अपना काम चालू करूँ, इंडस्ट्री सेटअप करूँ, एक्चुअली कुछ काम आगे बढ़े। अब पता चला ये वाले लोग, इनके पास आ गई है, अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं ना ओके कर रहे हैं, अपना तकिया के नीचे रख के ये फाइल्स हो गए प्रिंटआउट निकाल के। अब क्या, तो यहाँ पर ये वाली बात की गई इस एक्ट में कि भाई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी है जहां पर लोगों को फैसला लेना पड़ेगा इनको अप्रूवल देना है कि नहीं, ठीक है। और बहुत सारे केस में ये नहीं बोला जाएगा कि आप यहाँ से सर्टिफिकेशन लेके आओ कि आप ये वाला काम इस तरीके से करोगे, वो ये करोगे, ये सब नहीं। बहुत सारी चीजें विश्वास पे छोड़ दी गई हैं इन्वेस्टर के, कि सेल्फ सर्टिफिकेशन दे लो कि ये काम आप ऐसे ऐसे करने वाले हो और काम चालू करो, कुछ दिक्कत आएगी तो फिर आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन ही आपका मदद करेगा आगे चल के, ठीक है। अब सब मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप इन रिसेंट ईयर कौन कौन सी हैं, तो ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग बेसिकली वो पीथमपुर वाले एरिया में जो सेटअप हुई है, एग्री बिजनेस और एग्री फूड प्रोसेसिंग आगे चल के देखेंगे बहुत सारे रीजन में सेटअप हो गई है, आईटी भी मेनली इंदौर भोपाल के अराउंड सेटअप हुई है, फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारी जगह सेटअप हो गई है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्सटाइल, दीज आर द यू नो सब मेजर इंडस्ट्री सेटअप इन रिसेंट ईयर्स, कहाँ कहाँ हुई है आगे चल के देखेंगे, ठीक। मध्य प्रदेश हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड, ये मैंने आपको बताया था, ओके। ये वाली स्लाइड लगता है दोबारा लग गई, चलो ठीक है। उसके अलावा ये देखो, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करने के लिए अपन ने अलग अलग कॉरिडोर भी बना दिए, ये भी हो गया था। सम ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, ये है थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट जिस पे अभी काम कर रही है वो आप ये देखो, एसईजेड पीथमपुर, ठीक है, जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो अपन पहले पढ़ चुके हैं एक सम अप, ठीक है, सीफियर इंडस्ट्रियल वही साउथ ईस्ट और फार साउथ ईस्ट रीजन, फार ईस्टर्न नेशन वाली इंडस्ट्रियल टाउन से पीतमपुर में आ रही है, ठीक है, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में, प्लास्टिक पार्क तमोट एंड ग्वालियर में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज इन किरातपुर मुहासा शिवपुरी एंड सीतापुर, विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क पडोरा शिवपुरी एंड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउन से पोलाकहलान, ठीक है, पोलाकहलान। इतने सारे प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली चल रहे हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ओके। इसको भेज देता हूं अभी आप लोग, और देख लेना कुछ लगे तो बताना, ज्यादा कुछ है नहीं, मुद्दे की बात मैं समझा चुका हूं आपको। तो कुल मिला के जैसे अगर बात की जाए तो मोटा मोटा एक ये था कि अगर नटशेल में जो पिछली स्लाइड तक अपन ने देखा वो नटशेल में उस स्लाइड का अगर आप सार निकालोगे तो अब आप देखना कि इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं एमपी इकोनॉमी में वो आपके सारे निकल जाएंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर ये है कि उतना इतना बहुत भर भर के डाटा है उसमें भी उसको आप कैसे यूज कर रहे हो और कैसे लिख रहे हो, और जो समझने वाली चीजें थी वो अभी तक हम सब कुछ समझ ही चुके थे उसमें जो भी चीजें हो रही जो भी नुएंसेस थे, तो ज्यादा इसलिए मैंने उसमें समझाने में पढ़ा भी नहीं क्योंकि वो बार बार चीजें रिपीट ही होती। अब आप लोग पढ़ना और कुछ डाउट आए तो पूछना, ठीक है। मेरे तरफ से तो ये ठीक है कि जितना मेरे समझाने वाला पार्ट था वो मैंने कर दिया है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो याद करनी पड़ जाती हैं, करनी मजबूरी रहती है कि अब जैसे बहुत सारे पॉइंट उसमें अपन ने देखे वो याद करने वाले हैं क्योंकि आपको आंसर में लिखना है तो चार छह पॉइंट तो याद करने ही पड़ेंगे, तो अब आप लोग चार छह बार इसको पढ़ना याद हो जाएगा, ठीक है, और आंसर लिखने की कोशिश करना तो और अच्छे से याद होगा। अब आगे चलते हैं अपन और आगे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, जो थोड़ा सा प्रॉपर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पार्ट चालू हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, इतने में आपकी जो जो जरूरत है जो रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर अपन कवर कर ही चुके हैं, तो अब यहाँ तक कुछ पूछना है क्या या आगे बढ़े? और आप लोग पढ़ना कुछ आए तो आई एम ऑलवेज हियर, आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, बट अब आप लोग खुद से पढ़ो और देखो क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आंसर लिखते बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अब आपकी स्किल्स ही है जो आपको आंसर लिखना सिखाएंगी, है ना, और आप खुद से लिखोगे तो ज्यादा सीखोगे। आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, ये जो अभी पिछली कुछ स्लाइड्स थी ज्यादा बोरिंग वोरिंग तो नहीं लगी ना? इंटरेस्ट बना हुआ है या बोर हो गए ये बताओ, अभी आलस वालस तो नहीं आ रहा है कि सो
नींद भी आ रही हो। अगर ऐसा होगा तो फिर कल फ्रेश माइंड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी आपको भर भर के डाटा ही मिलने वाला है। ये स्लाइड्स भी ऐसी है कि ज्यादातर इसमें कुछ समझाने वाली चीजें है नहीं। अब एक न्यूज एंकर की तरह मेरा काम ही रहेगा कि इसमें पढ़ देना, और अगर थोड़ा बहुत कुछ लगे तो उसको समझा दो। अभी कुछ क्लासेस तो अब ये रहेंगी इस टाइप से। क्या करना है, क्या अभी पढ़ना है आगे, कि अभी रोक के कल स्टार्ट करना है अभी वाला टॉपिक? ठीक है, मैंने इसलिए पूछा, काफी सारा एकदम डाटा का बम्बार्डमेंट टाइप का हो गया ना, क्योंकि मैंने पता क्या करा है इसमें, आप लोग ये देखना, जितना डाटा आपको और जगह से मिलेगा ना, आप 4-5 बुक उठा के पढ़ लेना, ठीक है, तो उसका जो क्रक्स रहेगा उन बुक्स का, वो मैंने ना शुरू की स्लाइड में डाल दिया है। जो आपने इसके पहले तक की जो स्लाइड थी ना, उसमें मैंने ना पूरा क्रक्स उठा के डाल दिया है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो चीजें थी, ठीक है, और इवन एमपी एज ए इन्वेस्टमेंट हब, और उसी में बेसिकली अपना सर्विस सेक्टर का भी बहुत सारा पार्ट कवर हो गया है। तो मैं अब समझ रहा हूँ कि वो डाटा बहुत ज्यादा है, या वो इन्फॉर्मेशन ना बहुत कम स्लाइड में बहुत ज्यादा है आपके लिए। अगर इतना ये रिटेन हो गया तो फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? बोर हो गए? बट क्या करें यार, अगर बोर हो भी गए हो तो ये लिमिटेशन मेरी नहीं है, सब्जेक्ट की लिमिटेशन है, कि अब इसमें बस यही हो सकता है कि यार बीच में आपको एक दो जोक क्रैक कर दिए जाए, बट इसमें ऐसा कुछ जोक था नहीं कि बीच में मुझे कुछ याद आया और मैं आपको सुना दूं, फिर वो टॉपिक से हटके बात हो जाती है अगर कुछ और बात करता तो। ये तो प्योर डाटा, और फिर वही हो गया कि आपको पॉइंट्स बताना कि हाँ हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है, क्यों हुआ, काय के लिए हुआ, ये सब अपन काफी डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अंडरस्टैंडिंग वाइज तो आई डोंट थिंक आपको कुछ दिक्कत आई होगी वो समझने में। याद करने का टाइम, याद करने का रहेगा आपका बस। ठीक है, इसको कल से ही स्टार्ट करते हैं, कल से ही कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है? आप लोग बस अब इसको रिवाइज करना, और मैं बता रहा हूं जब आप लोग आंसर राइटिंग करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देखोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो यू विल अप्रिशिएट दिस स्लाइड्स एंड दिस लेक्चर, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। ओके, तो वर्षा, प्रेम, आनंद, इशरत, खत्म करते हैं आज की क्लास, है ना? अब आप लोग रिवाइज करो, मैं डालता हूँ इस स्लाइड्स को आपके ग्रुप में अभी, और कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, हाँ कर ही रहो एक्चुअली, अब आप लोग तो अभी लाइव देख रहे हो, जो नहीं देख रहा है उनके लिए भी तो बोलना पड़ता है चीजों को, ठीक है? कल मिलते हैं, ओके, कल फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब आप तैयार रहना कि देखो जो चीजें अपन पढ़ चुके हैं ना, वही वही चीजें अब यहाँ रिपीट होंगी, थोड़ा सा और मतलब और सब हेडिंग में अपन थोड़ा सा और रिफाइन कर लेंगे इसको, बट मेजर पार्ट आप खत्म कर चुके हैं, ये अब आप याद रखना एमपी के इस वाले पार्ट से रिलेटेड, ठीक है? बट फिर भी अब मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ये सब टॉपिक, क्योंकि अलग से आप कुछ बुक्स में दे भी रखे हैं, तो ठीक है, एक एक करके हेडिंग थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे अपन, और कल अपन अब देखते हैं आगे इसके आगे का। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंड विल सी यू टुमारो।